हेलो नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और आज इस स्पेशल व्लॉग में हम शूट कर रहे हैं द ओल्ड बट द न्यू स्टाइलिश रोबस्ट एंड वेरी माचो ब्लैक स्कॉर्पियो। जनरली ब्लैक कलर काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हम आज इसको ब्लैक कलर में ही शूट कर रहे हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो स्कॉर्पियो एक नया जनरेशन बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट में, बट अभी भी हम अगर इस गाड़ी को देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं लगती है और आज भी इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत मस्कुलाइन डिज़ाइन मिलती है ग्रिल की, और जो इसके हेडलैम्प्स हैं ये बहुत एग्रेसिवली डिज़ाइंड है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्टर साथ में एक हैलोजन बल्ब के संग ऑप्शन मिलेगा, और ये LED DRL जस्ट लाइक एन आईब्रो ऐसा फ्लो करती हैं इधर की तरफ। नीचे की तरफ प्लेन है बट वेरी स्टाइलिश ग्रिल है, और इसमें नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेंगी जो सिल्वर फिनिश में आती हैं नीचे से। अब चलते हैं साइड की तरफ, और हाँ, इसमें फॉग लैम्प हाउसिंग आपको क्रोम के संग मिलेगी क्योंकि ये टॉप मॉडल है, इस तरीके से इसका ये है, और लेकिन इसमें सिर्फ हैलोजन आपको फॉग लैम्प मिलेगा। नाउ कमिंग टू द साइड्स, ये इसके टायर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं और अपना पर्पस पूरी तरीके से सर्व करते हैं। आप इसका साइज़ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। एक चीज़ आपने मिस कर दी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गाड़ी में आपको एक यहाँ पर ये कट मिलता है एयर के लिए, और ये एक रीज़न है कि जो इसके बायर्स हैं कार के, वो इस गाड़ी के ये लुक्स की वजह से इसको इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने जब स्कॉर्पियो पहली बार आई तभी वो स्कॉर्पियो ली, उसके बाद वाली स्कॉर्पियो भी ली, अभी ये भी ले रहे हैं, और अगले वाले का भी चांस में है कि वो भी खरीदेंगे क्योंकि वो स्कॉर्पियो के इतने ज़्यादा अच्छे फ़ैन बन चुके हैं। बहुत ही बेसिक येट वेरी स्टाइलिश डिसेंट लुकिंग कार है। कट्स एंड क्रीसेस की बात करें तो बहुत ही डीप कट्स हैं यहाँ पे आपको पैर रखने के लिए जगह मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप इसमें आराम से चढ़ सकते हैं। बैक की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफॉगर्स, वाइपर, कैमरा और पार्किंग सेंसर्स आपको ये यहाँ पे मिल रहे हैं। अब सेफ्टी की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो को ऑल दो सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं मिली है, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्कॉर्पियो का नेक्स्ट मॉडल आने वाला है नेक्स्ट जनरेशन का, उसमें उसकी सेफ्टी फीचर्स अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर करेगी ग्लोबल एनकैप में। सो अब चलते हैं स्कॉर्पियो के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई हैंडल नहीं दिया हुआ है तो आपको स्टीयरिंग की मदद से ही अंदर बैठना पड़ेगा। तो अब अंदर बैठते हैं इसके, और जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस कैबिन के अंदर वो ये है कि आपकी जो विंडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नीची हैं, तो इससे आपको जो बाहर का व्यूज़ है वो बहुत अच्छे दिखेंगे। और एक चीज़ और है, इसका फ्रंट के बोनेट में आपको दोनों साइड का आराम से दिख रहा है, और कहीं से भी आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि आप बहुत नीचे बैठे हैं, आपको रोड की विजिबिलिटी नहीं है, और ये सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, इस वजह से आपको जो रोड का व्यू है वो बहुत ही कमांडिंग मिलेगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारी कीज़ हैं, इसको लगा के हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पर ये लगी, अब आप देखो यहाँ पर इसमें एक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिला हुआ है महिंद्रा का, और इस तरीके से कुछ ओपन होता है, और यहाँ पे आपको एनालॉग टैकोमीटर और एनालॉग स्पीडोमीटर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट जेन स्कॉर्पियो है उसमें सब कुछ फीचर्स आते हों। तो इस तरीके से इसका ये सिस्टम है, इसमें आपको FM के संग में और मीडिया फ़ोन और साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारे फ़ीचर्स मिलेंगे। अब स्टोरेज स्पेसेस के बारे में बात करते हैं, तो स्टोरेज स्पेस में आपको यहाँ पे एक पॉकेट दी हुई है जिसमें अपने आप फ़ोन स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया हुआ है, और इधर की तरफ आपको दो कप होल्डर्स मिल रहे हैं, और ये एक मैट है जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं ऑफ कोर्स, और बाकी आपको डोर में बहुत ज़्यादा सामान रखने की आपको जगह नहीं मिल रही है, बट ग्लोव बॉक्स इसमें है यहाँ पर। इस ग्लोव बॉक्स में देखते हैं तो एज़ यूजल इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, बट हाँ, फाइल्स और एक दो बॉटल वगैरह स्टोर कर सकते। स्कॉर्पियो में आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं साथ में ABS, और बाकी फीचर्स जो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इसके इस मॉडल में S11 में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके फील एंड फीडबैक के बारे में। जो प्लास्टिक का फील है, ऑफ कोर्स बहुत हार्ड प्लास्टिक्स यूज़ हुए हैं, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज़ नॉट वेरी हाई, बट स्टिल ये अपने पर्पस को पूरी तरीके से सूट करता है। और रही स्टीयरिंग व्हील की बात, तो इसमें आपको मीडिया कंट्रोल्स, क्रूज़ कंट्रोल, ये दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ORVMs के कंट्रोल्स आपको इधर की तरफ हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको ORVM के कंट्रोल यहाँ पे मिलेंगे, ये आपका
हेडलाइट का लेवलर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस तरीके का इसमें स्पेस है, एक प्रॉपर डेड पेडल भी दिया हुआ है यहाँ की तरफ। सो अब चलते हैं इसकी बैक सीट की तरफ। ब्रॉड डोर ओपनिंग है, यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, इस पे आप पैर रख के आराम से नॉर्मल भी चढ़ सकते थे, बट मेरा ये स्टाइल था चढ़ने का। तो टॉकिंग अबाउट स्पेस, यस यू हैव मोर देन सफिशिएंट हेडरूम, बट मेरी सीट ये जो थी थोड़ी सी ज़्यादा पीछे की तरफ थी स्टैंडर्ड से ज़्यादा, बट आप तब भी इसमें आराम से स्पेस देख सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीट इज़ कि आपको अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब नीचे से ये जो सपोर्ट है कुशनिंग है ये प्रॉपर है, और आपको एक यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिल रहा है। इस रो में आपको दो हेडरेस्ट मिल रहे हैं जो एडजस्टेबल हैं, इस तरीके से आप अपने हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं बीच में कितना स्पेस है। तो इसमें आराम से कंफर्टेबली फुल साइज़ के 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, और इन केस अगर नहीं बैठते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा बट यूजेबल जो कि काफ़ी नीचे रहता है, तो हाँ आप ऐसे रख के इसमें आराम से बैठ सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द बैक सीट, सबसे वाली बैक सीट जो थर्ड रो होती है। इस तरीके से इसका डोर ओपन होता है, ब्रॉड है, यहाँ पे 2 स्पीकर्स भी हैं म्यूज़िक लवर्स के लिए, यहाँ पे हैंडल है। चढ़ते खाते हैं स्पेस इसके अंदर का। प्रैक्टिकल स्पेस है, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं इस सीट को, और अपना लगेज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इनकेस अगर आपको बैठाने हैं लोग तो आप इसको फोल्ड करके बैठा भी सकते हैं। अब विंडो की बात कर रहे थे, तो विंडो को ओपन इस तरीके से करेंगे, ये है, इसको आप ऐसे करें और इसको खोल दीजिए, तो एक पैसिवली आपके हवा आती रहेगी अंदर जो तो आपको सफोकेट नहीं करेगी इनकेस आपका AC नहीं चल रहा है। और यूजबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी आपको बॉटल होल्डर्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में आपका अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा पुअर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट तो नहीं मिलेगा सी, बट हाँ अगर बच्चे बैठते हैं या फिर बहुत शॉर्ट जर्नीज के लिए 2 सिपाही आप लेके चलते हैं, कहीं आप गांव में जा रहे हैं 2 राइफल के संग में, तो हाँ ये स्पेस काफ़ी अच्छा है सर। सो महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो आपको काफ़ी अच्छी पावर देता है। आप इनके सामने देख सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस। और बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की, तो जिस रोड के हिसाब से ये बनी है, ये जनरली लोग ऑफ रोड के लिए, कच्चे रास्तों के लिए, गांव वगैरह में जाने के लिए, जनरली जो सरपंच या प्रधान वगैरह होते हैं वो इस गाड़ी को पसंद करते हैं, और ये आर्मी के कुछ लोगों के लिए भी खास जगह रखती है, क्योंकि ब्लैक स्कॉर्पियो एक बहुत रेयर गाड़ी मानी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एक सिंबल है लोगों के लिए। तो इसके 17 इंच के जो व्हील्स हैं ये इसका पर्पस पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप इस कंडीशन में आप किसी भी रोड पे जा सकते हैं। अब ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो इसमें 180 mm का आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, तो जिसकी वजह से कहीं पे भी नीचे नहीं लगेगी और आराम से किसी भी रोड कंडीशन में आराम से निकल जाएगी। सो अब इसकी यूजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स मिलेगा, इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, साथ में इसमें पेट्रोल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द स्कॉर्पियो। हम न्यू स्कॉर्पियो जैसी आएगी उसको भी शूट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।